इस वक्त हम मौजूद हैं विकासपुरी विधानसभा में। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं साजिद सैफी, जो कि एक आने वाली 17 जुलाई को एक कैंप लगा रहे हैं दिव्यांगों के लिए, जिनके अंदर दिव्यांगों को एक प्रमाण पत्र मिलेगा, व्हीलचेयर मिलेगी और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। तो क्या है ये पूरा कैंप और किस तरीके क्षेत्रीय विधायक इस कैंप में मदद कर रहे हैं इनकी, वो जानते हैं। राजीव जी, 17 तारीख को कैंप आयोजित करने जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो सबको नमस्कार करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ जो 17 तारीख को कैंप हो रहा है वो बहुत ही एक अच्छा कैंप हो रहा है। मेरे को जनता की सेवा करने में बहुत अच्छा लगता है और ऐसे कैंप मैं डेली हर महीने 2 महीने में ये कैंप का आयोजन करवाऊँगा और ये सिर्फ महेंद्र यादव जी के सहयोग से हो रहा है, उनका सहयोग है। और इस कैंप में मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इस कैंप का आयोजन जो किया गया है इसके लिए मैंने FOD वालों से बहुत लड़ाई लड़ी और मेरे साथ हैं सुमन जी। FOD क्या है ये साजिब जी? फैमिली ऑफ डिसेबिलिटी, संस्था है कि जी NGO है, एक संस्था है ये। इस मेरे साथ थी सुमन, वो भी एक NGO में काम करती है, वो दूसरा NGO है, वो आसरा NGO में काम करती है, पर उन्होंने मेरे साथ लड़ाई लड़ी है। तो मैं उनको पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ कि वो मेरे साथ लड़ी और मेरे साथ चली। अब मैं बताना चाहता हूँ जो 17 तारीख को जो कैंप हो रहा है ना, उसमें हम किस तरह की मदद करना चाहते हैं। हम उसमें जो हमारे विकलांग भाई हैं या हमारी माता है या हमारी बहनें हैं या हमारे बच्चे हैं, जो भी हैं, हम उनको ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी वगैरह वहाँ से प्रोवाइड करवाएंगे उस NGO के थ्रू। और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो सुन नहीं पाते हैं, उनके लिए कान की मशीन है और उनको रोज़गार का भी हमने एक वहाँ सिस्टम बना रखा है कि रोज़गार भी देंगे। विकलांगों के लिए भी रोज़गार है कि अगर कोई विकलांग अपना रोज़गार करना चाहता है तो वो NGO उसको उस पैसे का सामान देगी। जो ये कैंप है कितने बजे चालू होगा और कितने बजे तक चलेगा और लगभग कितने दिव्यांग अपने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, कितने लोग इसके अंदर आ सकते हैं? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, रजिस्ट्रेशन तो अभी किसी का नहीं हुआ है, वहाँ सिर्फ अभी रजिस्ट्रेशन ही होगा। सामान जो मिलता है सिर्फ 2 महीने के बाद, 2.5 महीने के बाद मिलता है, अभी ओनली फॉर रजिस्ट्रेशन होगा। और ये कैंप जो होगा ये प्रकाश यादव जी MLA जी के छोटे भाई हैं, जिनका ऑफिस है नवादा रोड पे, अस्पताल नवादा रोड पे, उनके ऑफिस में इस कैंप का आयोजन किया जाएगा। और मैं केजरीवाल जी को बताना चाहता हूँ कि आप निराश ना होएं, आपकी पार्टी में भी ऐसा काम हो करेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंप में आएँ। इस कैंप में लगभग कितने आप रजिस्ट्रेशन कराने की संख्या है, कितनी आपने रखी है और कितने लोग इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? सर, हमने कोई लिमिट नहीं रखी है, हमारे पास 500 आएंगे, 300 आएंगे, हम सबका रजिस्ट्रेशन करेंगे और सबका मान सम्मान करेंगे। इसके लिए मैं विधायक जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और साथ में जिन्होंने मेरे साथ मेहनत करी है उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि विधायक जी ऐसा काम करो जो लोगों को दिखाई दे। आपके इस कैंप के साथ कोई जुड़ना चाहे वो कैसे जुड़ सकता है? कोई फ़ोन नंबर आपने दिया हो, कोई ऐसा कोई प्लान आपने जो तैयार किया हो लोग आपसे जुड़ सके? सर, पहली बात तो देखो, मैंने बैनर बनवाए हैं जो मैं WhatsApp और Facebook के माध्यम से वो आगे पब्लिक तक पहुंचाऊंगा और उसमें नंबर भी है और आपके चैनल के माध्यम से मैं नंबर दे देता हूँ। मेरा नंबर है 7210-7688-79 और दूसरा एक अल्टरनेट नंबर है मेरा 9818-52-2818। तो इस नंबर के माध्यम से दिव्यांग लोग या और भी कोई लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपना? जी बिल्कुल। और मैं एक चीज़ और बता दूँ इस चैनल के माध्यम से कि जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। एक तो सबसे पहले आधार कार्ड हो गया और 2 बड़ी फ़ोटो और 8 छोटी फ़ोटो और एक विकलांग सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट मेरे को चाहिए और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। साजिद जी, एक सवाल और करूँगा, कैंप तो बहुत सारे लगते हैं ऐसे दिव्यांगों के लिए जहाँ पे उनको कुछ ना कुछ दिया जाता है जो उनके काम की चीज, लाभदायक की चीज़ होती है, चाहे मैं व्हील चेयर की बात करूँ, चाहे मैं कानों की मशीन की बात करूँ। दिव्यांग अपना रजिस्ट्रेशन तो करवाते हैं पर 2 महीने बाद उनका जब नंबर आता है तब उनका वो चीज़ नहीं प्रदान होती, ऐसा हमने कई जगह देखा है। सर, इसके लिए मैं ये कहूँगा कि आपने जैसे बोला कि रजिस्ट्रेशन करवाते हैं फिर उनको वो चीज़ नहीं मिलती, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 101% 30 सितंबर जो आएगी अगले 3 महीने में, उसमें मैं उन
सब जो रजिस्ट्रेशन करवा के जाएंगे उनका सामान प्रोवाइड करवाऊंगा, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करूंगा और विधायक जी के हाथों से उस समय उस चीज़ का उद्घाटन करवाऊंगा। जाते जाते सभी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इस कैंप के द्वारा? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सर इस कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और हमें आशीर्वाद दें। मैं अपने बुजुर्गों से ये कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई लालच नहीं है, आपका आशीर्वाद चाहिए, आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं आगे भी ऐसे बहुत सारे कैंप करूँगा और मेरे को कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये सिर्फ एक समाज सेवा है। और मैं आज आपके चैलेंज से बीजेपी वालों को ये बोल दूँ कि ऐसे कैंप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप हर महीने लगाते हो पर तरीके का कैंप लगा लो, एक कैंप लगा लो, छः महीने के अंदर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अच्छा कैंप लगा लो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए साजिब सैफी जी, जो एक कैंप आयोजित कर रहे हैं दिव्यांगों के लिए, जो कि अपने बहुत बड़ी बात है, और उस कैंप के अंदर ये दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जिसको जो जरूरत होगी, किसी को ट्राई व्हीलचेयर की जरूरत है तो किसी को कानों की मशीन की जरूरत है, या महिलाओं के लिए भी कोई जरूरत होगी तो ये वो पूरी करेंगे उस कैंप के माध्यम से। इनका जो सहयोग कर रहे हैं वो क्षेत्रीय विधायक जो महेंद्र यादव हैं, जो भरपूर इनकी मदद कर रहे हैं इस कैंप के लिए। हम चाहते हैं कि साजिद सर भी ऐसे इसी तरीके से समाज सेवा करते रहें और ऐसे कैंप का आयोजित करते रहें। कैमरा पर्सन गौरव शर्मा के साथ जितेश अनेजा, दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।